हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 और 3 जनवरी को आयोजित की गई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। परीक्षा का आयोजन 3 लेवल में किया गया था। बात करें पहले लेवल की तो इसमें 7.04% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि लेवल 2 में कुल 5.15% छात्रों ने बाजी मारी है, जबकि लेवल 3 में कुल 4.07% अभ्यर्थी पास हुए हैं। सभी अभ्यर्थी अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की एस्टेट 2020 की परीक्षा जो 2 जनवरी और 3 जनवरी को संपन्न हुई, 18 दिन के अंदर अंदर आज घोषित किया जा रहा है। लेवल 1 जिसमें PRT का परीक्षा परिणाम रहा 7.04%, लेवल 2 TGT का परीक्षा परिणाम रहा 5.15%, और लेवल 3 PGT जिसका पास प्रतिशत रहा 4.07%। कुल 237,806 अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी, जिसमें 70,112 पुरुष अभ्यर्थी थे और 167,694 महिलाएँ अभ्यर्थी थी। लेवल वाइज बात करें तो लेवल 1 PRT में 66,883 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से 20,553 पुरुषों ने और 20,563 पुरुषों में से 1,863 पुरुष पास हुए, 46,330 महिलाओं में से 2,843 उत्तीर्ण हुई। उसी प्रकार पुरुष अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत इसमें लेवल 1 में 9.06% रहा, महिला अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत 6.14% रहा। लेवल 2 TGT परीक्षा में कुल 95,820 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए, जिसमें से 26,413 पुरुषों में से 1,612 एवं 69,407 महिलाओं में से 3,322 उत्तीर्ण हुई। इसी प्रकार पुरुष अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत लेवल 2 में 6.10% रहा और महिला अभ्यर्थियों का 4.79% रहा। लेवल 3 PGT परीक्षा, इसमें कुल 75,103 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए, जिसमें से 23,146 पुरुषों में से 1,274 व 91,957 महिलाओं में से 1,782 उत्तीर्ण हुए। पुरुष अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत 5.50% रहा और महिला अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत 3.4% रहा। बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस बार परीक्षा में कुल 237,806 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 70,112 पुरुष जबकि 167,694 महिला अभ्यर्थी शामिल थे। बता दें 2 और 3 जनवरी को आयोजित की गई परीक्षा का रिजल्ट महज 18 दिन बाद ही आ गया है, जिससे छात्र काफी खुश हैं। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब के CTV।